हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कपूर शर्मा, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? पूरी हाँ बोल। 4 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। बोली मेरे को नहीं, उसको मारनी थी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के हमने सीन में कुछ चेंजेस किए जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं। डायरेक्टर तेरे को चेंज करने की सोच रहा है। क्या बोला तेरे बारे में? नाम एक बहुत बड़े आदमी ने बहुत ही सच कहा है। हाँ। तेरा पूरी जिंदगी कुछ नहीं हो सकता। किसने बोला ये? श्री कपिल शर्मा। अरे यार, तू एक खराब कर दिया नामना पूरा। कप्पू से नहीं पूरा का पूरा। हेलो सर, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू। वेरी गुड टू सी यू। वेरी गुड एंट्री, ड्रामेटिक, वेरी ब्रिलियंट। ये जो तू चश्मा ना भी तोड़ती एंट्री पे, तो फिर भी उतनी ही बुरी लगती जितनी लगी है। ये 70 रुपए का जो तुमने नुकसान किया है ना, दे दूंगी सूद समेत वापस। ओहो, मिस भूरी, आप जनता को बताने का कष्ट करेंगे कि आज आप कौन सा करेक्टर खराब कर रही हैं? देखिए क्या है ना, मछुआरे तो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं नहीं, तो वर्दी पहन के आपको क्या लग रहा है? देखो वर्दी तो चलो पुलिस की है, लेकिन मुंह तो तेरा चश्मदीद गवाह जैसा कि नहीं। संभल के रहो, कहीं मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे दूं। ओहो, इंस्पेक्टर भूरी, क्राइम ब्रांच। ओहो, आधा घंटा पहले तो क्राइम पेट्रोल में लाश बनी हुई थी। कभी तो खुद अपने शो पे ध्यान दे दिया करो, जब देखो दूसरों के शोज देखते रहते हो तुम। देखूंगा मैं, ये नहीं मतलब कि यहाँ अर्चना जी बैठी हुई तो मैं शिल्पा शेट्टी को देखना बंद कर दूं। लाइफ में मांगता है रोमांस मांगता है। मतलब घर की अर्चना दाल बराबर। मैम इसकी ना यही प्रॉब्लम है, ये मुझे भी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं कैसे इसको बोलूं कि थिएटर ग्रुप में मैं सबसे महंगी आर्टिस्ट हूँ? महंगी तो यहाँ भी बहुत पड़ती है तू। एक्सक्यूज मी, देखो महंगी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे चीपनेस पसंद नहीं कपूर, ठीक है? और रही बात एक्टिंग की, तो वो मुझे नेचुरल ही पसंद है। ओह, तो नेचुरल एक्टिंग क्या होती है, आप बताएंगी हमें? जी हाँ बिल्कुल, जो बिना मेकअप के करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल एक्टिंग। अब पता चला सर हमें क्यों महंगी पड़ती है। सर आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, बट यू नो आई हैव टू टेल यू, इवन आई एम फ्रॉम एनएसडी। एनएसडी नशेड़ियों का गैंग है इनका। एनएसडी इसके हाथ देखो अनुपम सर, हाथ भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन जर्दा पूरा मर्दों की तरह मलती है ये। एक बार में 200 ग्राम। जिसके बारे में बोल रहे हो कभी उसका बायोडाटा भी चेक कर लिया करो बोलने से पहले। दिवाली वाले दिनों में ना जलती बत्ती मुंह में डाल के पार्किंग एरिया में लोगों को लूटती है डरा डरा के। बायोडाटा मैं बताऊं तुम्हारा क्या? कपू मैं चाल भले कछुए की चलती हूँ। चाल तो बहुत चलती, कभी देखना शूटिंग के बाद ऑटो वालों के साथ जो चाल चलती ना, 10 की चाल 20 की चाल, जुआरी है पक्की, 1 नंबर की है और आज तक नहीं हारी कभी ये। अरे तो ऐसे कैसे हार जाऊं आप ही बताओ, जिसका दिमाग लोमड़ी के जैसे चलता है वो बंदी कैसे हारेगी? जरूरी नहीं है फीचर्स लोमड़ी जैसे हो तो दिमाग भी लोमड़ी जैसा हो। सर आपने वो चलाक लोमड़ी वाली कहानी सुनी है जो कौए से भोजन छीन लेती है? वो लोमड़ी इनकी कुल देवी है। इंग्लिश फिल्म आ रही ना वन डे, वैसे तुम भी वन डे मेरे फैन हो जाओगे। टेक इट फ्रॉम इन राइटिंग। देख जैसे तू एक्टिंग कर रही ना, वन डे का तो मुझे पता नहीं, ये जो हफ्ते में हम 2 डे आते हैं ना, ये सोनी उसका भी हाफ डे कर देगा हमारा। ये जो तुम ना मेरी एक्टिंग पे ना क्वेश्चन मत लगाओ, समझ में आया? ओके ओके, आई थिंक वो इतनी मेहनत कर रही है। हाँ जी, उसका मौका तो लगता है, एक बनता है आपका। आप एक काम करो, आप कप्पू बुलाती ना इनको। हाँ। अच्छा कप्पू जी का इंटरोगेशन करके दिखाओ। ओ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है बुरी। अच्छा इंटरोगेशन करेगी हमारी। आइए छोटी सी बच्चों की पुलिस, आइए बच्चों की। बैठो। हाँ जी बैठो इधर जी मैडम। हाँ। बताओ। हाँ। माल कहाँ है? इंस्पेक्टर बन गई अभी तो माल सूंघना छोड़ दो। मैं उस माल की बात नहीं कर रही हूँ, चुपचाप बता दो सोना कहाँ है। जहाँ रोज सोती हो, तुम्हारे लिए कोई स्वीट बुक कराऊं मैं? सवाल कैसे पूछ रही है? सुनो बकवास बंद करो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के होते होंगे, आपके तो होटल लंबे हैं। मैंने ये क्या
होगा, मैं नहीं करने वाली है। करना नहीं, क्या हो नहीं रहा? सर आप ही बताओ, मैं तो ठीक ठाक ढंग से कर रही थी। Come on, please. आप भी बने हो ना कॉप फिल्म में, आप इनको सवाल करके देखो, फिर पता चलेगा ये आदमी कितना परेशान करता है। डंडा दो मैडम को, और डंडे के साहब को डंडा दो। चलिए साहब को। अच्छा आप खड़े रहेंगे? मैं खड़ा रहूंगा। तो बताओ माल कहाँ है? इसको बताइए, सुनती है। अरे सॉरी, सीरियसली वो सब छोड़ो, ये बताओ सोना कहाँ है? वैसे तो सारे कमरे फुल हैं, आप चाहे तो अर्चना जी को निकाल देते हैं। देखो जी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उन्हीं लंबे हाथों से हमें पकड़ लो मैडम, क्योंकि अगर मैं बाहर घूमता रहा तो किसी ऐसी के साथ सेट हो जाऊंगा। हालांकि सुबह सुबह तो मैं मना कर देता हूँ, रात को मुझे ज्यादा पता नहीं चलता। माल कहाँ है? माल कहाँ? सबके सामने लगाओगे कि छुपके दूं सर? तुम जानते नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सर लेकिन आपका मुंह भी बड़ा लंबा है। भूरी, आई लव यू। आज इधर कर दिया इसने। भूरी, आई लव यू बोल दिया। सोचो मैम, आज तो मेरा दिन बन गया। वो था लोगों के लिए। चलो। देख लेना कप्पू, एक दिन भूरी के नाम का सिक्का चलेगा। सिक्का चलेगा तेरा। आइए इच्छा, आइए सर। सर, आपके इतने सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और आपके बड़े सारे फैन हैं यहाँ पे, जिनको ये लगता है कि वो अपना एक्टिंग का टैलेंट जो है वो आपको दिखाना चाहते हैं, और हो सकता है उनको लगता है कि आप उनको अपने स्कूल में एडमिशन दे दें या उनको कहीं फिल्म में काम दिला दें। हाँ जी, पहले कौन आ रहा है, हाथ खड़ा करें। जी माइक, माइक दे दीजिए उनको। जी ये लीजिए भाई साहब। हेलो बच्चों, कितने सारे बच्चे आए आज? हेलो अनुपम सर, हेलो ईशा मैम, हेलो कपिल सर। मैं इलाहाबाद से आया हूँ, मेरा नाम प्रखर है, और ईशा मैम के साथ एक छोटा सा एक्ट करना चाहता हूँ। हाँ जी, वो ईशा मैम से पूछिए आप। अपनी कास्टिंग खुद कर रहे हैं आप? हाँ, ईशा मैम को आपने सामने कास्ट कर लिया? मैम नए जमाने के है ना सर। नए जमाने में तो मैं अनुपम सर और रचना जी के हड़प्पा की खुदाई में मिले थे। हम लोग नहीं है इस जमाने के। सर सीखते आप से ही हैं। देखो शरेआम ही हमारे मुंह पे हमें बोल रहे हैं। प्रखर, प्रखर का नाम मतलब क्या होता है? तेज। तेज वो तो हो तुम। वो तो हो ही। सीन क्या है? छोटा सा जिम का सीन है। जिम? हाँ जी। गए हो कभी? हाँ जी। सो बेसिकली मैं स्क्वाट्स करूंगा और आप जस्ट एंटर कर रहे होगे उसी सेम जिम में। अच्छा अच्छा, आइए। पहले कभी किए? हाँ। ये ना हो तुम्हारी टांगे रगड़े चिंगारियां निकले ऐसे। स्क्वाट्स करो आप। इतने होते हैं बस। हेलो हेलो, लड़की कौन है दोनों में से? स्क्वाट्स कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी, आप कभी कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हो? मैं भी स्क्वाट सोच रही थी, पर आपको देख के सोचा ड्रॉप कर दूं आइडिया। तो आप शोल्डर की एक्सरसाइज कुछ ट्राई करना चाहोगे? हाँ, आप कराएंगे? कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसे क्यों खड़े हैं, नीचे गोबर पड़ा है? स्क्वाट्स करते समय पैंट फट गई है मेरी, बस यही दिक्कत है। ओ, असली में फट गई? असली में? फिर तो जाओ भाई, इससे पहले कि आपका क्लीवेज नजर आए। थैंक यू प्रखर, आप इतने क्यूट हो ना, मुझे लग रहा था ईशा ही साथ में उनकी सहेली आई रेनू। थैंक यू सर। अच्छा थैंक यू प्रखर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू अनुपम सर, आपके कुछ टिप्पणी चाहेंगे कि कैसा इन्होंने अभिनय किया? देखो
स्टेज पर आना और परफॉर्म करना, इसके लिए गुर्दा चाहिए. हाँ. उसकी मैं तारीफ करता हूँ, बिकॉज सबके सामने अपना मजाक उड़वाना उसके लिए बहुत बहुत जिगरा चाहिए. तो उसके लिए आपकी मैं थैंक यू प्रखर. और कोई हमारे दोस्त जी, तीन लड़के एक साथ. वो तुम तीनों ही पूरे पूरे नहीं हो, थोड़े थोड़े ही हो. आ जाओ. हाउ आर यू बॉयज? हेलो. हाय, कैसे हो? अरे बड़े. चलो, क्या करने वाले हो? ओके सर, हम छोटा सा एक कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो कि रोमांटिक है और थोड़ा सीरियस भी है. अच्छा, करो करो रोमांटिक सीन. ओके सर, एक्शन बोल दीजिए प्लीज. हाँ, एक्शन. एक्शन टू. अरे नेहा, हेलो. मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ और कितने कॉल किए मैंने तुम्हें, तुम मुझे कभी नहीं दिखी, आज मुझे दिख गई हो. क्यों, किस लिए? प्लीज यार, अब तो मान जाना यार, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कब समझोगी? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया लेकिन तुम समझ नहीं रही हो. ऐसा क्यों? मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, प्लीज चले जाओ यहाँ से. इसे क्यों परेशान करते हो? जस्ट गो अवे. ऐसा मत करो प्लीज. हे, कौन हो तुम? क्यों रिग्रेट कर रहे हो मेरी बहन को? अरे आप इसके भाई हैं. प्लीज इसे समझाओ ना यार, मैं इसे कितना प्यार करता हूँ, मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, प्लीज. अच्छा एक सेकंड, पूछता हूँ क्या चल रहा है ये सब. भैया नहीं जानती हूँ इसको, ये कौन है? नहीं जानती है आपको? आप आइंदा मेरी बहन के सामने मत नजर आना, वरना बहुत मारूंगा. प्लीज प्लीज यार, भैया प्लीज छोड़ो मुझे. प्लीज आराम. लव यू, लव यू टू. अपनी एक्चुअल जिंदगी में क्या करते हो? जी मैं एक्टिंग करता हूँ बस. और आप? सर मैं डांस करता हूँ. डांस करते हो? नेहा का भाई, आप क्या सांप पकड़ते हो? सर थोड़ा बहुत म्यूजिक पे डांस मैं भी कर लेता हूँ. थोड़ा बहुत, 30 सेकंड तक पूरा गाना चले तो नहीं कर पाते. आधे पे डांस, आधे गाने पे डांस कर लेता हूँ सर. थोड़ा थोड़ा कर लेते हो? हाँ थोड़ा थोड़ा. वेरी नाइस सर. टिप्पणी, यू सी दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट. इनके जहन में कितने सपने हैं, जहन में कितना जोश है. आज आपके शो पे इनको मौका मिला है. दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं. हम अपने खुद दुश्मन होते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ. मगर आज इनको देखेंगे, कितने करोड़ों लोग इनको देखेंगे. जी तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ. ओके थैंक यू सर. किधर जा रही है? रुक, ए, क्या? रुक, चल पैसे निकाल मेरे. काहे के पैसे? एक तो मेरे बालों का ये हाल कर दिया और ऊपर से पैसे मांग रही है, वाह. अरे तेरा बाले के बवाले रे. तेरा बाल सीधे करते करते मैं टेढ़ी हो गई इधर. ये देखो सर, मेरा पूरा सैलून का सामान इसमें चिपक गया है. इससे लड़का नहीं फंसा तो कौवा फंसा लिया इसने. देखो हट. तो ये सब तो होना ही था ना, सारा टाइम तो तू अपने फोन पे लगी हुई थी. अच्छा तो तेरे लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं मुकेश को? ओ, और जो तूने मेरी डेट खराब की उसका क्या? अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिलूंगी? अरे तो टेंशन मत ले, मेरे बॉयफ्रेंड से मिल लेना. हाँ ये बॉयफ्रेंड सब एक ही प्रजाति के रहते है. और सुन, उधर नाला सुपर में जाएगी ना, डुक कर लोग तेरे को देख के बहुत खुश भी होंगी. What do you mean? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ना प्रियंका जैसा हेयर स्टाइल चाहिए. प्रियंका चोपड़ा देखा, फोपड़ा देखा है अपना? बढ़िया, इधर मलाड की कंगना रनावत, भाग इधर से. तुझे ना, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं. और कपूर शर्मा, मैं ना तुम्हें भी देख लूंगी. मैंने क्या किया? अरे नहीं नहीं सर, आपकी तो ना मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका शो देखूंगी ना. अच्छा उस हिसाब से देख लूंगी. अच्छा भी ठीक है, थैंक यू. चापलूसी कर रही है इधर. सच बोल रही हूँ मैं. भाई ईशा, भाई अनुपम सर. भाई अनुपम सर, तेरे सर पे 5-10 हजार बाल के आ गए, अनुपम जी को चिढ़ा रही है. तुझे छोड़ूंगी. भाग इधर से. हाय सर, कैसे? अरे सर मैं बहुत फैन है सर. हाय ईशा. अरे वाह, शी सच अ प्रिटी गर्ल नो. आपको ना खुले बाल बहुत अच्छे लगते जी. हाँ सर, आपको भी ना खुले बाल. मेरे बाल खुले ही हैं आज. इतने खुले के पीछे छोड़ के आए. अनुपम सर के लिए जोरदार ताली हो जाए. सर मैं मीडिया में देखी सर, कितना आप लोग मेहनत की उधर धूप में जाने का इलेक्शन में. उधर सब क्या वोटिंग वीटिंग मांगने का ऐसा, मतलब कितनी मेहनत से किरण जी को कुर्सी मिली है ना सर. जी जी जी.
इधर कुछ लोग हैं जिनको बिना मेहनत के कुर्सी मिल गई है। जाने दो, खैर छोड़ो। नहीं नहीं, खैर छोड़ देगी तो सिर्फ अनुपम रह जाएगा। अनुपम सर, आप शिमला से हैं ना? हाँ, सेम ईयर सर, मैं बिमला से हूँ। मेरी माँ का नाम बिमला है। सर, आपकी पिक्चर का प्रोमो देख ली मैं। हाँ। अच्छा, जोरदार ताली प्रोमो के लिए। अच्छा सर, ये पिक्चर का शूटिंग कितने दिन की आप लोग? काफी दिन किया हमने। कितने दिन? 45 दिन। 40-45 दिन शूटिंग करके वन डे बनाए? ये तो नुकसान है। प्रोड्यूसर का तो तेल निकल गया रहेगा। सर वो तेल मेरे को दे देना, मसाज के काम आएगा सर मेरे को देने का। सर वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। यस प्लीज। ये सेट मैक्स वाले जो है, ये आपको कितना पेंशन देते हैं लोग? किस बात का पेंशन? ये मैं जानता हूँ क्या बोलने वाले हैं। हाँ, तू और मैं तो सिर्फ सैटरडे संडे आते हैं टीवी पे। ये 20 साल से रोज सूर्यवंशम में आ रहे हो। सर आपके जैसा आर्टिस्ट नहीं मैं देखी, बहुत बड़े आर्टिस्ट है आप। Thank लेकिन you. दोस्ती के मामले में सर आप पीछे रह गए। सर क्यों? मैंने क्या किया? अरे वो हीरा ठाकुर बार बार खीर खा के लुढ़क जाता है, उसको रोक नहीं सकते। इतनी गलत बात है। कैसे आप? बहुत अच्छी। आप मिस इंडिया इंटरनेशनल है ना? जी। हाँ, मैं भी मिस नाला सोपारा डोमेस्टिक हूँ। सपना हो गया तेरा? नहीं नहीं, अभी हुई नहीं मेरे को ऐसा। हमने आई रन ब्यूटी पार्लर सर जी, सपना ब्यूटी पार्लर। सपना ब्यूटी। हम लोग ऐसा टिप्स देते हैं, ब्यूटी टिप्स रहते हैं हम लोग का, आपके लिए स्पेशल है। अच्छा। डार्क सर्कल रहते हैं ना जी, उसके लिए ब्यूटी टिप है। हाँ बताइए। नीम रहते हैं, नीम, नीम तुलसी, तुलसी इज हर्बल रहते हैं, उसको ना ऐसा मिक्सर में डालने का, पीसने का, उसका पानी नहीं फेंकने, अरक रहना मांगता है उसके अंदर, बहुत जरूरी रहता है। फिर अरक को कैसे ऐसा टांगने का ऊपर 2 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे बाद निकाल के उसमें दही डालने का, नींबू वींबू डाल के उसको फेंटने का, फिर 2 घंटा रखने का उसको, और फिर वो बर्नी खोल के ना ऐसे सूंघने का, फिर आप देखेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं बना, फिर उसको फेंक देने का, फिर फ्रस्ट्रेशन में सो जाने का। आप सोएंगे ना, डार्क सर्कल नहीं है। ऐसा कैसा लगा? अच्छा क्या रेमेडी बताइए? सर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज ऑल्सो। आज तेरे सपना मैं तब मानू। हाँ बोल कपू, क्या बोलते हैं? अनुपम सर के लिए कोई हेड मसाज बता, फिर तक मानू। मैंने ना जब मेरे बाल निकल रहे थे शुरू शुरू में, मैंने सब किस्म का इंतजाम करा है, सब कुछ किया है। जैसे आपने भी इंतजाम बना, मैंने वाकई किया था। क्या सर? वो रीठा बोलते हैं ना, रीठा, रीठा, रीठे को दही में डाल के जमीन में गाड़ दिया था, फिर वो लगाता था। फिर मुझे किसी ने कहा कि ऊंट का सुसु लगाने से, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे सर? हाँ हाँ, हमारे नाले सोपारे में बहुत पकड़ेगी अभी उन लोगों। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जुहू बीच पे ऊंट, हाँ? उन दिनों बहुत ऊंट हुआ करते, तो मैं खड़ा होता था, मुझे नहीं पता था ये 3-3, 4-4 दिन बाद करते हैं। तो आप 4 दिन तक खड़े रहते? मैं खड़ा रही चलते। और जब करते थे तो पूरा बछार पड़ती थी, कुछ नहीं होता। जिसके बाल जाने होते हैं वो जाते ही, वो जाते ही हैं। दुनिया में 2 ही किस्म के मर्द हैं, बाल्डीज एंड फ्यूचर बाल्डीज। ये तो सच है, मगर आप बहुत अच्छी बात है। मेरे को समझ नहीं आया इंग्लिश में, लेकिन अच्छा बोले सर। आज सर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, खोसला का घोसला मसाज है। अच्छा। हाँ, इसमें क्या है? इसमें क्या, कस्टमर कपड़े वपड़े उतार के बिठाते हैं, फिर खोसला सबको बुलाते हैं, फिर खोसला सब बाल में तेल लगा के ऐसा मसाज करते कि उसका घोसला बन जाते हैं। ऐसा हम लोग। फिर हमारा बड़े मियाँ छोटे मियाँ मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या है? हाँ, इसमें कस्टमर कपड़े वपड़े उतार के छोटे मियाँ आके मसाज करते हैं। और बड़े मियाँ क्या करते हैं? बड़े मियाँ तो केबीसी में बिजी है ना, तो वो गाते हैं। और छोटे मियाँ अपने कभी भी बुला लो उनको। अपने को सपोर्ट करते हो। अरे माय गॉड, गप्पू मेरे को जाने का है। एक कस्टमर को मैं वॉशिंग मशीन में रखकर आई सर मेरे को। मैं वॉशिंग मशीन में क्यों? अरे क्योंकि वो मिक्सर में फिट नहीं आ रहा था, उसको ना डिटॉक्स मसाज चाहिए था। मैं चलती है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप बहुत अच्छा करते हो, जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो। थैंक यू सर।
आइए अनुपम सर, आइए ईशा, एक बार जोरदार तालियां अनुपम जी के लिए और ईशा के लिए। थैंक यू सो मच अनुपम सर, थैंक यू सो मच ईशा, आप लोग शो में आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।